हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाई चोपड़ा। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जो न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि नीट और जेईई एग्जाम जो पहले पोस्टपोन्ड हो चुकी थी, अभी वो डिले और होंगी। वो जुलाई अगस्त में कंडक्ट होंगी। इसमें आगे लिखा है कि CBSE, NIOS, CISCE के 10th और 12th के एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। CBSE के 10th और 12th के जो 41 सब्जेक्ट थे, उसमें से 29 सब्जेक्ट की ही एग्जाम होगी, ये हम सब जानते हैं। बाकी क्लासेज के स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट किया जा चुका है। इसमें आगे लिखा है कि MHRD के एक सोर्स के अनुसार अब ये नीट और जेई के एग्जाम हैं वो पोस्टपोन्ड हो गई हैं। एक सीनियर गवर्नमेंट सोर्स के अनुसार मानव संसाधन मंत्रालय ने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो समर वैकेशन है उसको लॉकडाउन के टाइम तक लागू कर दिया जाए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके बाद पेंडिंग एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। इस समय सभी इंस्टीट्यूशन को ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराने के लिए कहा जाएगा और वो प्रैक्टिकल पार्ट्स लॉकडाउन पीरियड में छोड़ सकते हैं, यानी कि वो बाद में करवा लें उसको। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि कुछ स्टेट ने अभी समर वैकेशन स्टार्ट कर दी है। जैसे राजस्थान में 31 मई तक ये समर वैकेशन स्टार्ट हो गया है, वहीं उड़ीसा में 17 जून तक कर दिया गया है, कर्नाटका में भी 31 मई तक क्लोज कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैंने मेरे दूसरे चैनल चोपड़ा नीट इन्फॉर्मेशन पर जागरण एजुकेशन न्यूज़ आर्टिकल के बारे में बताया था, उसमें भी एग्जाम जुलाई अगस्त तक पोस्टपोन्ड के बारे में बताया गया है। तो ये क्लियर हो चुका है कि एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा। अभी इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट NTA की वेबसाइट या नीट की वेबसाइट पर मिलेगी, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।